सब लोग मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ जॉइंट फैमिली कैसी होती है, क्योंकि मैं भी रहता हूँ जॉइंट फैमिली में। ऐसे फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची जैसे कई लोग साथ में रहते हैं। इतने सारे लोग, वो भी एक साथ, कितना मजा आता होगा ना साथ में रहने में। हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरे घर पर करेंगे, मैं तुझे सबसे मिलाऊंगा। हाँ पक्का, मैं तेरे घर पे जरूर आऊंगा। वंश पापा, ये लो पिज्जा, ये वेद को भी दो। ये लो वेद। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं कैप्सिकम और लेट्स नहीं खाता। वेद, तेरा पिज्जा तो बिना कैप्सिकम वाला ही है। अरे हाँ, तेरी आंटी को मेरी पसंद कैसे पता चली? मैंने तो इन्हें पहले बताया ही नहीं। हाँ, ये बात तो मैंने भी नहीं बताई इन्हें। आंटी आप जरा रुकिए, आप वेद को पहले से जानते हैं? अच्छा वन शायद से मैं इन्हें जानता हूँ। आंटी जरा अपना घूंघट उठाइए। मारे को बड़े काम है, पिज्जा खा लो। जी बीबी जी, ये तुम्हारा है? कि पैसे और गहने कहाँ से हैं तुम्हारे पास? चोरी किया है? नहीं। सच सच बताओगी या पुलिस को बुलाऊं? बुलबुल, पुलिस को ना बुलाओ, पुलिस को ना बुलाओ। तो आप आज तक हमसे झूठ बोलकर हमारे घर में नौकरानी बनकर रह रही हैं? लेकिन क्यों? ऐसी कोई बात को नहीं। सच सच बता रही है, मैं पापा को बुलाऊं? नहीं 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 बुलबुल, पुलिस और अंकुर जी। अरे नहीं नहीं, वो तो सचमुच में अंकुर जी तो बड़े गुस्से हैं, वो तो हमारे को पुलिस में ही दे देंगे। यहाँ क्यों, वही जानना चाहती हूँ ना। तो दरअसल मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बाबू ने अठे भेजा है मारे को, तू तो जानती है बचपन से बाबू हुक्म देती है मैं जान दे देती हूँ। और दरअसल बाबू का मरना वंश में अटका हुआ है, वो चाहती है कि वंश हमारे घर आ जाए और तुम्हारे मम्मी पापा को पूरे माँ बाप साबित करने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया कि मैं रिकॉर्डिंग करके ये साबित कर दूँ कि तुम्हारे माँ बाप बुरे हैं और वंश हमें मिल जाए, आप उसे घर ले जाए। बाबू, ठाकुर जी पे अपने बेटे के लिए इतना विश्वास, तो अपने पोते के लिए क्यों नहीं? कि ठाकुर जी जो भी उसके साथ करेंगे अच्छा करेंगे। ये मतलब है तारा? अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए, मीना आंटी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। मारे को कुछ भी समझ ना आ रहा है। चलो जी, आप सच्चाई से क्यों भाग रही हैं? 6 साल बीत गए बाबू, 6 साल, लेकिन आप आज भी वंश को हमसे छीनने की कोशिश कर रही हैं। 6 साल पहले वाले हादसे से सबक नहीं मिला आपको? छोरी, मारे से बात करने से पहले ना 20 मीटर की दूरी पर चले जाओ, नहीं तो थारे पिताजी ना पुलिस में दे देंगे हम। इससे पहले भी इस उम्र में ना पुलिस के दर्शन करवा चुके हैं। पता है किस अपराध में दादा दादी ने ना अपने पोते को देखने की ललक ना छुपा पाए, ये अपराध था हमारा। चल मैं थारे से पूछूं, बता मारे कि दादा दादी का अपने पोते से मिलने का अधिकार को नहीं? बता ना मारे। पापा ने आप लोगों को जेल भेज दिया? हाँ, सरकारी आर्डर निकाले कि वंश के 20 मीटर की दूरी पर हमराठी परिवार ना आ सके।
जे बात तू जान चल जी। ओह तो अब समझ में आया कि आप पे खेल खेल रही है हमारे साथ। मेरे पापा को एक बुरा पेरेंट साबित करके हाँ वंश को चीना चाहती है हमसे। हाँ पापा से और हमसे बदला ले रही है। मारे को किसी से कोई बदला ना लेना है। मारे को एक बात बतावेगी, मारी तारे पापा से के दुश्मना की है। मारे को तो सिर्फ मारे वंश की चिंता है। तू ना समझ पाएगी और बिना सोचे समझे तुम्हारे पर आरोप पे आरोप लगाई जाए। पापा मेरे लिए ना पापा और आप दोनों ही दोषी। आप ये मत बोलिए कि आपको वंश की चिंता है। ना आपको वंश की कोई चिंता है और ना ही मम्मी पापा को कोई चिंता है, क्योंकि अगर आपको होती ना तो वंश की फीलिंग्स का ध्यान रखती। लेकिन नहीं, पापा और आपको सिर्फ अपना अहम और अपनी जिद की पड़ी। वंश को तो खिलौना बना रखा है आप लोगों ने, बस एक दूसरे से छीनना चाहते हैं उसे। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उससे वंश पे क्या बीतेगी या हमारा घर टूट जाएगा। छोरी मारे पर इल्जाम लगाने से पहले ना अपने घर की खिड़की में झांक कर देख। खेल तो थारे पापा ने खेला है हम सबके साथ, मारे को थारे को कोई सफाई देने की जरूरत ना है। जाकर पूछ थारे पापा से, इतनी हिम्मत है ना, पूछ, वो जवाब देंगे थारे को। पापा ने ये इसलिए किया क्योंकि वो डर गए थे कि कहीं हम वंश को हमसे ना छीन। मुझे भाई तो मिल गए, लेकिन उन सबसे सब लोगों ने कितना कुछ खो दिया। हुआ उन्होंने अपना माइक, अपने इकलौते भाई को खो दिया। पापा ने अपनी बहन को, और वेद को तो ये भी नहीं पता कि उसके कोई मामा भी है। ना ही वंश जानता है कि वो और भतीजे नाम का कोई रिश्ता भी होता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा संध्या बुआ और फूफा जी ने खोया। उनका बेटा तो उनसे पराया हो गया, जिस प्यार और रिश्ते के लिए उन्होंने वंश को मुझे दिया था वो प्यार और रिश्ता तो रहा ही नहीं ना बाबू। आप बड़े सिर्फ लड़ना क्यों चाहते हैं, जुड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचते आप लोग? तो परिवार जैसे घर अब दुश्मन बन गए। अब मैंने पापा को समझाने की कोशिश की और वो नहीं समझे, लेकिन आप तो बड़ी है, आप तो समझे कि वेद के लिए, वंश के लिए और और फूफा जी के लिए प्लीज पापा। ये सही है, फिर सोच ले। अब यही रास्ता बचा है, आप फोन लगाइए। ठीक है। बुलबुल बेटा, मैं तुम्हें बताया ना कि तुम्हारी मम्मी जल्दी ही लौट आएंगी। पता चल गया पापा, मुझे सब पता चल गया, आप मेरे पापा हो ही नहीं, मैं किसी और का बेटा हूँ। और अब मैं अपने असली वाले पापा के घर जाना चाहता हूँ। वंश, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हम ही तुम्हारे असली पेरेंट्स हैं, हाँ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे पता चल गया है पापा कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बुलबुल, तुम्हारी इससे कोई बात हुई?
नहीं पापा, मेरी वंश से कोई बात नहीं हुई। फिर वंश बेटा, आपको कोई बाहर मिला था, कोई बात हुई थी आपकी? नहीं। फिर वो ऐसे बातें क्यों कर रहा है? मैं तुम्हारा डैडी हूँ, हाँ मैं तुम्हारा डैडी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो तुम। पापा वंश आपके सामने झूठी मूठी एक्टिंग कर रहा है, मजाक कर रहा है आपके साथ। ये कैसा बेहुदा मजाक है? अरे ये कोई बात होती मजाक करने की? चल वंश, हम चलकर खेलते हैं। पापा को तो ना आजकल मजाक पे भी गुस्सा आता है, इतना छोटा सा मजाक और इतना सारा गुस्सा। चल वंश। वंश अंकुर जी, जे बच्चा सच्चाई में बदल सके। वंश को सच्चाई का पता चल सके। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।